चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो आज का वीडियो मैं मर्चेंट नेवी पर बनाने जा रहा हूँ। तो जितने भी लड़के जो मर्चेंट नेवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगते थे उनके लिए आज मैं वीडियो प्रॉपर मर्चेंट नेवी पर बना रहा हूँ। और मर्चेंट नेवी पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 700 रुपये की CDC यानी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आता है, वो जो 700 रुपये का बनकर आता है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप इंडियन नेवी से आप मर्चेंट नेवी से इन्फॉर्मेशन रखते हैं, अगर आप मर्चेंट नेवी में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको 700 रुपये की इंडियन CDC के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखें, मैं इस पर प्रॉपर नॉलेज दूंगा। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, 700 रुपये की इंडियन CDC। तो बहुत सारे लड़कों का बार बार कमेंट था क्योंकि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी पर कभी कभी, लेकिन अधिकतर इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मैंने मर्चेंट नेवी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है, तो उसमें लड़कियों का बहुत सारा ये सवाल था कि सर मर्चेंट नेवी में जो CDC आती है जिसको कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे और ये 700 रुपये की CDC से क्या फंदा है। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इंडियन CDC होती है, मैंने हर एक कंट्री का पासपोर्ट होता है, जैसे अमेरिका का पासपोर्ट अलग होता है, इंडिया का पासपोर्ट अलग होता है, पाकिस्तान का पासपोर्ट अलग होता है, यूनाइटेड किंगडम का पासपोर्ट अलग होता है, उसी तरह अगर आप मर्चेंट नेवी में जाते हैं, क्योंकि मर्चेंट नेवी वर्ल्ड पर काम करता है, वो एक देश पर काम नहीं करता है। तो मर्चेंट नेवी पर आप जाते हैं तो एक CDC आता है, जैसे पानामा CDC हो गया, बेल्जियम CDC हो गया, हुंडारो CDC हो गया, ऑस्ट्रेलियन CDC हो गया, इंडियन CDC हो गया। तो जो इंडियन CDC होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन CDC होता है या हुंडारो CDC होता है या पानामा CDC या बेल्जियम CDC नहीं होता। पहले आप समझने का प्रयास कीजिए CDC होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक सीप है, अगर वो सीप को मैं इंडिया से रजिस्टर करवाता हूँ तो उस पर जो बंदे काम करेंगे वो इंडियन CDC लेकर काम करेंगे। अगर वो ऑस्ट्रेलिया का भी है लेकिन उसको इंडियन CDC लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सीट क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया से रजिस्टर्ड है। तो हर एक देश का अलग अलग CDC होता है। जैसे हम लोग इंडियन है तो हमारे लिए इंडियन CDC का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास इंडियन CDC होता है तो कोई भी लफड़ा सीट पर होगा या हम कहीं जाकर फंस जाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमको हेल्प करेगी वहाँ से बाहर निकलने में। अगर मान लीजिए कि हमारे पास इंडियन CDC नहीं है, हम पानामा CDC दूसरे का CDC लेकर अपने सीप पर काम करें, अगर कुछ हो गया बाई दबे हम किसी चीज़ में फंस गए, तो हमको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, हमको वहाँ से निकलने में कोई मदद नहीं करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाएँ, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँ, तो उससे प्रॉपर कहें कि हमको इंडियन CDC चाहिए, तभी हम कोर्स करेंगे। आप कुछ भी कोर्स कीजिए, BTEC मरीन इंजीनियरिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, DNS के लिए, GP रेटिंग कीजिए, BSc नॉटिकल साइंस के लिए, STCW कीजिए, डजंट मैटर, लेकिन आप बोलिए कॉलेज को कि हमको सर इंडियन CDC चाहिए। अब देखिए, अब ये इंडियन CDC 700 रुपये की क्या है। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर हम STCW करके 700 रुपये की CD लें, GP रेटिंग करके CDC लें, और अलग से अगर हम 700 रुपये की CDC लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। कोई डिफरेंस नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप CDC चाहिए, आप बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो उनको प्रॉपर मर्चेंट नेवी के बारे में नॉलेज नहीं होता है और वो किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर STCW या GP रेटिंग का कोर्स कर लेते हैं और गवर्नमेंट और कहीं से भी पनामा CDC या बेल्जियम CDC लाकर इंस्टीट्यूट उनको दे देते हैं, वो फंस जाते हैं, किसी सीट पर जाते हैं, वो अपना राइट का अधिकार नहीं समझ पाते हैं। मर्चेंट नेवी का राइट क्या है, सीमन वेलफेयर फंड्स क्या है, सीमन प्रोविडेंट फंड क्या है, कुछ उनको नहीं मिलता। लेकिन जिस बंदे के पास इंडियन CDC होता है उसके पास बहुत सारा राइट आ जाता है, उसके पास बहुत सारा अधिकार रहता है। तो छोड़िए मैं बताता हूँ कि इंडियन CDC 700 रुपये की आप कैसे कलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास STCW का सर्टिफिकेट है, ठीक है, STCW का सर्टिफिकेट आपके पास है, 5 सर्टिफिकेट होता है, जो लड़का किया होगा, जिसके पास इंडियन CDC नहीं होगा, वो जो लड़का मर्चेंट नेवी में कोर्स किया होगा, कोई भी कोर्स कर ले, वो 4 साल का कर ले, 3 साल का कर ले, 1 साल का कर ले, 6 महीने का कर ले, 15 दिन का कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको 5 सर्टिफिकेट कोर्स करना ही पड़ता है, जिसका नाम है STCW कन्वेंशन 2010। 2010 के पहले 1994 था,
लेकिन अब उसको चेंज करके STCW कन्वेंशन 2010 कर दिया, यानी स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन ऑफ ए वॉच कीपिंग। उसका पूरा नाम, उसमें 5 कोर्स कराया जाता है, 10 दिन का कोर्स होता है। पहला कोर्स होता है PST पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक, उसके बाद होता है PSSR पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद होता है EFA यानी एलिमेंट्री फर्स्ट एड, उसके बाद आपका होता है FPFF यानी फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, और लास्ट जो होता है STS DST यानी सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑफ ए शिप फेयर और डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज़। तो ये 5 कोर्स, अगर आपके पास ये 5 सर्टिफिकेट है, हर एक के पास होता है, जो मर्चेंट नेवी में काम करता है या जो मर्चेंट नेवी का कोर्स किया, सबके पास 5 सर्टिफिकेट होगा। तो वो आप सर्टिफिकेट लेकर, अपना पासपोर्ट लेकर, आप खुद www.dgshipping.gov.in पर जाएं, और जाने के बाद ई गवर्नेंस पर जाएं, और वहां से जाकर आप 700 रुपये की अपनी CDC अप्लाई कर सकते हैं। ये 700 रुपये क्या है, सब बोलते हैं 700 रुपये, 700 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का चलान है, यानी वो 700 रुपये का आप उसको चलान कटवाइएगा, वो आपको इंडियन CDC निकाल कर देगी, आपका इंडोर्स नंबर लेगी, उसके साथ 5 जो सर्टिफिकेट कोर्स आप किए हैं STCW का वो लेगी, और उसके साथ आपका पासपोर्ट का कॉपी लेगी, और आप वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा, आपका CDC बनकर घर आ जाएगा। 700 रुपये उसका चलान कटता है, तो यही तो है 700 रुपये का CDC। अब लड़के बोलते हैं कि सर 700 रुपये STCW करके 700 रुपये की CDC निकला लें कि या DNS कर लें या GP रेटिंग कर लें। तो देखो, तुम कुछ भी करो लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए। अगर STCW तुम कोर्स करते हो 5, 7, 8, 10 दिन का होता है, 10 दिन में तुम क्या सीखोगे? ना तुमको नोट आएगा, बैंड आएगा, हीच आएगा, 3-fold, 4-fold मोशन जीआर, बॉयलर क्या है, इंसिनेटर क्या है, स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, हाउ टू ऑपरेट मेन इंजन, ऑक्सिलरी इंजन, एयर कंप्रेसर, जर्नेटर, फायर, ये सब तुम जान ही नहीं पाओगे तो तुम सिप पर जाकर क्या काम करोगे? तुमको सिप पर काम करवाएगा आज के दुनिया में कोई भी एक आदमी, तुमको पैसा देगा तो तुमसे प्रॉपर काम लेगा। तो देखो, मैं तुमको बोलता हूँ कि 700 रुपये इसके CDC निकालने से बढ़िया है कि तुम मर्चेंट नेवी में जाना ही चाहते हो तो बढ़िया से कोई कोर्स कर लो, उसके बाद 700 रुपये का CDC निकालो। क्या फ़ायदा होगा 700 रुपये का CDC निकाल कर? बहुत सारे लड़के हैं जो STCW कोर्स कर लिए हैं और 700 रुपये की CDC निकाल कर बोलते हैं हमारे पास इंडियन CDC है। कुछ नहीं है, फुद्दू है वो इंडियन CDC। क्या है, जब तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है तो सीट पर जाकर तुम क्या करोगे? कोई तुमसे काम होगा, कैप्टन तुमको बोलेगा, चीफ ऑफिसर तुमको बोलेगा, सब तुमको 2-3 दिन, 5 दिन, 20 दिन काम सिखाएंगे, तुमको वहाँ पर कोई काम थोड़ी देगा। तुम ट्रेनिंग करके जाओगे तो तुमको कुछ मिस्टेक होगा तो बता देगा ऐसे नहीं ऐसे करना, तुमको आता ही नहीं है, तुमको प्रॉपर काम थोड़ी वो सिखाएगा। और बोल दिया जाओ बॉयलर में तुम वाटर लेवल, बॉयलर में जाओ तुम कुछ चेक करके आओ, जाओ बॉयलर का मेंटेनेंस करो, तो तुम जानते ही नहीं हो कि बॉयलर में क्या होता है, स्टीम प्रेशर होता है, वाटर लेवल होता है, फिट चेक होता है, एयर ड्रिवन होता है, मैन होल्ड डोर होता है, तो तुम उसको पता होगा। साइड ग्लास में तुम देखोगे 2 सेफ्टी वाल्व होता है, 2 वाटर लेवल गेज ग्लास होता है। जब तुम मेंटेनेंस ही नहीं कर पाओगे, तुमको पता ही नहीं होगा, तो तुम वायर में क्या चेक करोगे? कोई इमरजेंसी अलार्म बज गया तुमको पता ही नहीं है। तो देखो, मैं प्रॉपर तुमको बताता हूँ कि अगर तुम मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो 700 रुपये की फेयर में मत रहो, 700 रुपये की CDC के तुम अच्छा से या तो GB रेटिंग करो, या DNS करो, या BSc नॉटिकल साइंस करो, या तुम BTEC मरीन इंजीनियरिंग करो। लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, अगर तुम मिडिल क्लास से हो तो DNS करने जाओगे तो तुमको कम से कम 8 लाख रुपया लग जाएगा, GB रेटिंग सबसे अच्छा है। और देखो, मैं आज के डेट में तुमको बढ़िया कॉलेज का नाम बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पास 4 लाख रुपया है तो अच्छा से द ग्रेट ईस्टर्न है, वहाँ पर तुम फॉर्म फिलअप करो, 4 लाख रुपया उसका फीस है, 4 लाख या 4.5 लाख रुपया फीस है, और तुम्हारा उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो तुमको एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख रुपया तुमको एक बार ले लेगा, 6 महीने का कोर्स करवाएगा, तुमको प्लेसमेंट वो खुद अपने शिपिंग कंपनी में दे देगा। और तुम नहीं जानते हो भाई लोग कि द ग्रेट ईस्टर्न कितनी अच्छी कंपनी है। तो यही प्रॉपर वीडियो, तो TS रहमान में भी जा सकते हैं। तो यही एक प्रॉपर वीडियो थी, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें, और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंडियन साइज हो या डेक साइज हो, कैंटरिंग के बता नहीं सकते हैं क्योंकि कैंटरिंग से मैंने किया नहीं, तो प्लीज़ मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर कॉमेंट करें, मैं डेफिनेटली उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। अगर मैंने ये वीडियो बनाया, अगर इसमें कुछ फॉल्ट भी हो तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, अगर आप कॉमेंट कीजिएगा तभी तो मैं अपने फॉल्ट को सुधार पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।